नमस्कार। राजस्थान की तमाम बड़ी और खास खबरों के साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। आप सभी को मालूम है कि मोदी सरकार ने आज 2 साल पूरे कर लिए। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इसी खबर से। अपने 2 साल के कार्यकाल के दौरान मोदी ने कई बड़ी योजनाएं देश को समर्पित की, जिसको लेकर अब केंद्रीय मंत्रियों को प्रदेश स्तर पर योजनाओं को जनता को बताने का जिम्मा भी दिया गया है। सरकार के कामों का बखान करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों की एक बड़ी फौज राजस्थान आ रही है। मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए खुद केंद्र के मंत्री प्रदेश में अलग अलग जगहों के दौरे करेंगे। जयपुर में मुख्तार अब्बास नकवी, उदयपुर में नजमा हेपतुल्ला, श्रीपद नायक, अजमेर में रामविलास पासवान, गिरिराज सिंह, भरतपुर में कलराज मिश्र, मोहन भाई, अलवर में मेनका गांधी, महेश शर्मा, जोधपुर में रविशंकर प्रसाद और सुदर्शन भगत, बीकानेर में वीरेंद्र सिंह और रमेश पोखरियाल निशंक, श्रीगंगानगर में स्मृति ईरानी, राधा कृष्णन, भीलवाड़ा में संतोष गंगवार, भगत सिंह, पाली में राजीव प्रताप रूड़ी और विष्णु शाही, सीकर में राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जोयल ओराम, कोटा में पीयूष गोयल, रामशंकर कठेरिया। राज्य सरकार के मंत्रियों ने भी केंद्र सरकार के 2 साल के कामकाज की खूब तारीफ की है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद अभी तक जिस प्रकार के भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। उसे पहली बार गंभीरतापूर्वक सरकार की तरफ से हैमर हो रहा है, तो उसका स्वागत सब जगह जनता कर रही है, स्वागत कांग्रेस को भी करना चाहिए इसके विरोध के बजाय। मोदी जी ने जो हमारे राज्य सरकार को जो स्कीम्स दी हैं ऑल इंडिया में, आपको एग्जांपल देता हूँ, 80,000 रुपये सरपंच को प्रति साल, मेरा 84 मेरी पंचायतें हैं, मेरा MLA फंड 2-2.5 लाख रुपए पर पंचायत पर ईयर पड़ता है, यहाँ पर इनको 80 लाख रुपए मिल गए। 2 साल में मोदी सरकार ने अपनी जो योजनाएं लाई हैं उनमें प्रमुख हैं उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वावलंबन स्वास्थ्य बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, सॉइल हेल्थ कार्ड। इन तमाम योजनाओं के बीच असल चुनौती काले धन को वापस लाने की है। साथ ही 2022 तक सभी को घर देने की कोशिशों पर अगले 3 साल तक नजर जरूर रहेगी। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। अजमेर में 31 मई को प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा के लिए कायड़ विश्राम स्थली का चयन किया गया है। सूत्रों के मुताबिक 31 मई को दोपहर लगभग 2:15 बजे हवाई मार्ग से पीएम मोदी घूघरा हेलीपैड पर लैंड करेंगे और बाद में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। फिलहाल ये तय नहीं हो पाया है कि पीएम मोदी दरगाह और पुष्कर जाएंगे या नहीं। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी के मुताबिक पीएम की सभा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 31 मई को माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बना है, ये निश्चित रूप से अजमेर वासियों के लिए एक सौभाग्य का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री इस अवसर पर अजमेर आ रहे हैं। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हम सब ने मिल कर के सारे कहाँ कहाँ कार्यक्रम हो सकता है इन सारे स्थानों का निरीक्षण किया। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर कोटा में सांसद ओम बिरला ने मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी सरकार और कोटा में किए गए काम गिनवाए हैं। सांसद ओम बिरला ने कहा कि 2 साल में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान, अलग छवि बनाई है। 2 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के शासन में देश का विकास तीव्र गति से हुआ है। किसान हो, मजदूर हो, गरीब व्यक्ति हो, नौजवान हो, उसके आर्थिक संसाधन रोजगार बढ़ाने का काम हुआ है। तो इस पर हर कोई प्रतिक्रिया दे रहा है, 2 साल पे क्या उपलब्धि है। इधर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज और ब्रॉडगेज लाइन ट्रेन शुरू हो गई है।
जिसके लिए केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं से जनता को फायदा मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए वे 16 जून तक पूरे जिले में अभियान चलाएंगे, साथ ही गांव ढाणियों में जाकर जन समस्याएं भी सुनेंगे। दो साल में भारत के सरकार के किसी मंत्री और सांसद पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा, कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई गबन नहीं हुआ, इसलिए मोदी जी ने जो घोषणा की थी उसमें वो खरे उतरे। और बात कांग्रेस की सर्जरी वाले बयान पर बोलते हुए कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने कहा कि सर्जरी किसी की भी हो, सर्जन तो सोनिया और राहुल ही हैं। उधर 5 राज्यों के नतीजों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हार की वजहों पर विचार कर रही है। आंतरिक सुरक्षा की बात करी, 56 इंच सीना की बात करी, चीन को तो छोड़िए जो पाकिस्तान के सामने घुटना टेक चुका हो, ये सवालों के बारे में जिस लुभावने भाषण, जिस तरह के जुमले जाम सरकार ने इलेक्शन के दरमियान रखे थे, हम सरकार से पूछते हैं इन सब वादों का आखिर क्या हुआ। अजमेर के JLN अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने अस्पताल प्रशासन को क्लीन चिट दे दी है। मंत्री ने इन मौतों के पीछे व्यवस्था को दोषी करार देते हुए दावा किया है कि आने वाले कुछ दिनों में व्यवस्थाएं सुचारू की जाएंगी। अजमेर दौरे पर आए चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में राठौड़ ने अस्पताल में बच्चों की मौत पर चर्चा की और इसे गंभीर बताया। हालांकि अस्पताल प्रशासन को क्लीन चिट दे दी, उन्होंने कहा कि हर मौत को चिकित्सकीय लापरवाही के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। राठौड़ ने दावा किया कि अब अस्पताल में अव्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश शुरू कर दी गई है। मैं इन आंकड़ों के साथ एक भी मृत्यु को जोड़ना नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति जो इस हॉस्पिटल में आए, उसको हमारे संसाधनों सहित, हमारी फैकल्टी सहित उनको सबको देखें। मैंने आज ये भी कहा कि जो भी रेफर केस आए उसको सीनियर फैकल्टी देखे। चिकित्सा मंत्री ने जेएलएन अस्पताल की कार्डियो थेरोसिक यूनिट के लिए 53 लाख रुपए के उपकरणों की तत्काल मंजूरी दे दी। मैं इसकी पूरी जानकारी लेकर मैं कोशिश करूंगा और कि कार्डियो थेरोसिक यूनिट यहां प्रॉपर काम करे। जेएलएन अस्पताल का दौरा करने आए चिकित्सा मंत्री ने सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई और अस्पताल प्रशासन को चेतावनी भी दी। मनवीर सिंह, जी मीडिया, अजमेर। इधर शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने मौसम जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रदेश के स्कूलों और छात्रावासों में स्वच्छता को लेकर विशेष ध्यान रखने के आदेश दिए हैं। देवनानी ने राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों और छात्रावासों के संस्था प्रधानों को निर्देश दिए हैं कि वे विद्यालय में स्वच्छता, पीने के पानी की टंकियों की साफ सफाई और शौचालय की साफ सफाई रखें, साथ ही मौसम जनित बीमारियों की प्रभावी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। शराबबंदी पर सुर्खियों में आए प्रदेश के मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अपने बयान को लेकर सफाई दी। खींवसर ने कहा कि उनके द्वारा दिए गए बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने कहा कि उनका कहने का मतलब ये कतई नहीं था कि शराब पीनी चाहिए, बल्कि वो ये कहना चाह रहे थे कि स्थानीय लोगों द्वारा शराब के अधिकृत ठेकों का जो विरोध किया जा रहा है वो मुनासिब नहीं है। प्रदेश के अंदर प्रोहिबिशन है और ड्राई है, वहाँ इलीगल है ड्रिंक करना, पर जहाँ पर प्रोहिबिशन नहीं है वहाँ पर कोई अपने घर में बैठ के ड्रिंक करता है या किसी होटल में, बार में जाके लाइसेंस बार में पीता है, तो वो उसका अधिकार है। जयपुर की सड़कों पर जमकर बवाल देखने को मिला। शराब पीने से मना करने पर कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट में मारपीट की। आदर्श नगर थाना इलाके की गली नंबर 4 में यह घटना हुई है। जमकर लाठियां चली और पत्थरबाजी हुई, लेकिन यह पूरी वारदात CCTV में कैद हो चुकी है। रेस्टोरेंट के बाहर छिड़ गई अचानक लड़ाई। कोई भांज रहा था लाठियां तो कोई बरसा रहा था पत्थर। CCTV में कैद पूरी की पूरी लड़ाई। ये तस्वीर लड़ाई की तस्वीर है। आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग लाठियां लेकर लड़ रहे हैं, लोग एक दूसरे को मारने पर आमादा हैं, वहीं कुछ लोग पत्थर भी बरसा रहे हैं। मारपीट की पूरी तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हो रही हैं। आखिर ये लोग मारपीट क्यों कर रहे हैं? मारपीट करने वाले ये लोग आखिर हैं कौन? इन तमाम सवालों का जवाब बताने के लिए हम आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए।
आप देख रहे होंगे कि रेस्टोरेंट के आगे कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं, तभी दूसरी तरफ से कुछ लोग शराब पीने की कोशिश करते हैं, मगर रेस्टोरेंट मालिक ने शराब पीने से मना कर दिया और शराब पीने से मना करते ही लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके हाथ जो लगा उसी को लेकर मारपीट शुरू कर देते हैं। अंडे को समुदाय विशेष के लोग आए, गुटों में आए और हम पे हमला किया। हमले की वजह, क्योंकि हमने उन्हें शराब पीने से मना किया था संडे से दो दिन पहले, फ्राइडे को। वो लोग आए तीनों तरफ से, उन्होंने हमला किया। उनमें से एक सरदार जी जो सिमरदीप सिंह जी थे, उन्होंने गमला उठाया और मेरे पिताजी के ऊपर फेंका, जो कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लगातार पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस के सामने भी पत्थरबाजी हुई, पुलिस के सामने लठ चले, पर आज तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। पूरा वाक्य आदर्श नगर थाना इलाके की गली नंबर 4 के आगे एक रेस्टोरेंट के आगे अंजाम दिया गया है। फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। जयपुर से आशुतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।